Yes, student. Good morning, students. We are going to start a new question, question number second. And I hope so. I have told you in previous exercise, till question number two, first part. Okay, student. इसमें आपसे question number second में बोल रहा है 5 years ago, Noori was thrice as old Sonu. तो हमें किसी की भी एज नहीं पता, तो हमने let कर लिया let Noori is. तो नूरीज एज हमने मान लीजिए x ईयर से, कितनी है स्टूडेंट, x ईयर से. ओके, और दूसरा कौन है, दूसरा आपके पास यहाँ पर है सोनू. ठीक है, तो सोनू एज हमने मान ली यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, y ईयर्स मान लिया. ओके, y ईयर से, राइट. अब क्या कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने बोला 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले. कितने ईयर्स अगो, 5 years एगो. ठीक है, तो 5 साल पहले की वो बात कर रहा है. तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचें ध्यान से, अगर सपोज करो मैंने कहा एट प्रेजेंट में इसकी एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस का 5 होगी. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा. तो सबसे पहले 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी, एक्स माइनस 5. ऐसे हम क्या करेंगे, सोनू की एज कितनी थी, वाई माइनस का 5. 5 साल पहले दोनों की एज इतनी इतनी तो होगी, राइट. अब इसने बोला क्या था, 5 years अगो नूरी वॉज, तो नूरी की एज तो ये है, नूरी की जो एज थी वो थ्राइस कितनी थी, थ्राइस थी किसकी, सोनू की एज की, राइट स्टूडेंट. तो इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर कितनी स्टूडेंट वैल्यू आ जाती है, एक्स माइनस का 5, सॉरी फॉर देट. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाता है, x माइनस का 5 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 3y माइनस 15. ओके स्टूडेंट, तो इसको उठा कर आप इधर ले जाएं और इसको उठा करके आप उधर ले जाएं, तो वैल्यू बन जाती है x माइनस का 3y इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा, इक्वेशन आपके पास फर्स्ट आ जाती है. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट थी 5 years अगो की वो बात कर रहा था. नाउ उसने क्या बोला है यहाँ पर, उसने बोला 10 years लेटर, कितने साल बाद, 10 years लेटर, 10 साल बाद की वो बात कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, तो 10 साल बाद की एज कितनी होगी, तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं, तो 10 साल बाद इसकी भी एज बढ़ जाएगी. ठीक है, नूरी की एज, तो 10 साल बाद सोनू की भी एज बढ़ जाएगी. बट अब उसने बोला क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. उसने यहाँ पे बोला क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज का जस्ट कितनी होगी, ट्वाइस होगी, जस्ट टू टाइम्स होगी, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स. तो एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2y प्लस का 20. ओके स्टूडेंट, इसको उठा कर इधर ले जाइए, इसको उठा करके आप उधर ले जाइए. ओके स्टूडेंट, तो x माइनस का 2y इक्वल टू, जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा स्टूडेंट. ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हो गई. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला था, आई हैव टोल्ड यू इन एलिमिनेशन मेथड यू शुड हैव ओनली वन पार्ट, यानी कि या तो x का कोफिशियंट बराबर हो या फिर y के कोफिशियंट बराबर हो. अगर बराबर नहीं है तो हम करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का, यानी कि जो भी है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे x के बराबर करने, तो x के तो ऑलरेडी बराबर है. अब यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके स्टूडेंट, तो तब बराबर हो जाएंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है किसके, x की कोफिशिएंट. तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10. ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है. अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि सेम सिंबल है, राइट. तो सब्ट्रैक्शन किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला ये भी प्लस हो जाएगा स्टूडेंट. ओके फाइन, तो देखो स्टूडेंट, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 2y है, तो प्लस का y बचेगा केवल, प्लस का 10 और प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो y की वैल्यू आपके पास निकल गई. अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x माइनस का 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 20 इक्वल टू माइनस 10. ओके स्टूडेंट, तो x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा इक्वल टू माइनस 10, इसको उठा कर उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 50 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपसे पूछा क्या क्या गया था, उसने आपसे पूछा था कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी की एज जो है, नूरीज एज कितनी होगी, नूरी की एज की एक्स वैल्यू थी हमारे पास, और एक्स वैल्यू है कितनी आपके पास, 50। तो ये 50 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड आपके पास क्या था, सोनू, ठीक है, सोनूज एज। तो सोनू की एज कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट, वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 20। तो ये हो गया 20 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, मे बी देर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यस, क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। ओके स्टूडेंट, सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें आपसे बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो लेट किया हमने यहाँ पर, लेट यूनिट या वंस, या तो यूनिट प्लेस बोल देते हैं या फिर वंस, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास एक्स, टेंस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो टेंस कितना हो गया स्टूडेंट, वाई हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिट की, किसकी, नंबर की या डिजिट की, तो नंबर जो आपका बना वो ऑलवेज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, 10 × 10 प्लस वंस, ठीक है, या यूनिट, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाता है, तो 10 × 10 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10 × 10 कितना हुआ वाई, और वंस कितना हुआ स्टूडेंट एक्स। तो ये आपके पास नंबर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसने यहाँ पे बोला क्या था, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो दो डिजिट नंबर का सम जो है, यानी कि पहली एक्स होगी दूसरी वाई हो गई, ठीक है, दोनों का सम कितना हुआ 9, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, राइट। अब उसके बाद सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन में आपको उसने क्या बोला है यहाँ पे, उसने बोला है यहाँ पर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो ये नंबर हुआ, इस नंबर का, सॉरी एक्स है यहाँ पे, इस नंबर का कितना टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज, क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस द नंबर है, किसके नंबर के ट्वाइस के बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। हम केवल ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी कि एक्स को वाई की जगह, वाई को एक्स की जगह, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, 10x प्लस का वाई, मे बी देर इज नो प्रॉब्लम, केवल यहाँ पर उसने प्लेसेस चेंज किए, हमने वाई को एक्स की जगह, एक्स को वाई की जगह रिप्लेस किया, वही तो लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट। ओके फाइन, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 के मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 90y हो गया, 9 की इससे किया तो 9x हो गया, इक्वल टू 2 की इससे किया तो 20x हो गया, और इसकी 2 से किया तो 2y हो गया। ओके स्टूडेंट, तो x वाले एक तरफ ले जाइए, y वाले एक तरफ ले जाइए, देर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको उठा के इधर ले जाइए स्टूडेंट, ओके, और इसको भी उठा करके इधर ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, 9x माइनस का 20x प्लस का 90y ऑलरेडी है, माइनस का 2y इक्वल टू कितना बचेगा, 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो माइनस का 11x बचेगा, यहाँ पे बात करेंगे तो प्लस का 88y बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन में से स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, 11 कॉमन ले लें, माइनस का 11 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, या प्लस का ले लीजिए, योर चॉइस, प्लस का ले लीजिए 11, प्लस का 11 कॉमन ले लिया तो माइनस का x बचा, और प्लस का 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8y बचेगा इक्वल टू कितना बचेगा स्टूडेंट, 0। फाइन स्टूडेंट, तो अब आपके पास क्या कंडीशन है, इस 11 को 0 में पहुँचा दीजिए तो माइनस x प्लस का 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी आपके पास सेकेंड, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी देखो एलिमिनेशन करने के लिए बहुत आसान है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, यही तो इक्वेशन फर्स्ट थी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1 है,
यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन है, ठीक है। तो सेम तो कोफिशियंट है, हमें साइन से मतलब नहीं था, सेम कोफिशियंट है। अब क्या करेंगे, केवल ऐड कर दीजिए स्टूडेंट। आप आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू हैव सेम कोफिशियंट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, या कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल एंड यू हैव अपोजिट साइन, देन यू विल हैव टू ऐड। इट मीन्स अगर ये आपके पास देखो एक्स कोफिशियंट वन, एक्स कोफिशियंट वन, यहाँ माइनस का और ये प्लस का ही तो होगा, जिससे पहले कोई सिंबल नहीं होता, प्लस ही माना जाता है, तो इसका मतलब अपोजिट सिंबल है, तो हम क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया, नाइन वाई हो गया, इक्वल टू नाइन के हो गया स्टूडेंट। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, नाइन अपॉन नाइन, नाइन से इसको ऐड करेंगे तो वाई, वाई की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, वन आ गई। ओके स्टूडेंट, मे बी देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स प्लस का वन इक्वल टू नाइन हो जाएगा स्टूडेंट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट आ जाएगी, राइट। तो उसने पूछा क्या था स्टूडेंट, नंबर पूछा था, क्या पूछा था, नंबर। तो नंबर कितना था स्टूडेंट, नंबर था आपके पास टेन वाई प्लस एक्स, तो टेन इंटू वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, वन, और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एट। तो टेन वन जा टेन, यानी कि टेन प्लस का एट, यानी कि कितना हो गया स्टूडेंट, एटीन। योर रिक्वायर्ड आंसर, योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल हैव टू डिस्कस विद मी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू एवरी वन।